हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो क्वेश्चन है डायगोनल स्केल के ऊपर है। पिछला जिसने यह वीडियो देखा होगा डायगोनल स्केल के ऊपर, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था एक नॉर्मल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस था उसके अकॉर्डिंग था। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक आता है, थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ट्रिकी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देख ले, ताकि आपका जो कंसेप्ट का इस मतलब वीडियो में जो कंसेप्ट का कहीं दिक्कत आएगा तो वो कंसेप्ट आपका पहले से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नया चीज बताऊंगा आपको डाउट होगा सर ये कैसे हुआ। अब मैं आपके सामने लाइव तो हूं नहीं कि आपको मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाऊंगा, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो स्टार्टिंग की वीडियोस है इस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस देखें, ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो पहले की वीडियोस से आपका क्लियर होते आएगा। फिर इस वीडियो में आएंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डायगोनल स्केल का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ फील्ड, एक खेत, खेत बोलिए फील्ड बोलिए जो भी, एक जगह। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड इज 50,000 मीटर स्क्वायर। एक फील्ड का एरिया कितना है 50,000 मीटर स्क्वायर, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैप, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैप ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ फील्ड इज 50,000 मीटर स्क्वायर, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैप ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हम समझेंगे कि एरिया ऑफ फील्ड एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका रियल में साइज क्या है आपका, मतलब एरिया क्या है उसका फील्ड का 50,000 मीटर स्क्वायर, मतलब इट्स वेरी लार्ज। ठीक है, इतना लार्ज कि उस साइज का पेपर हमारे पास अवेलेबल तो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं कि उसे शो किससे किया जा रहा है, बाय अ मैप ऑफ मैप, जो हम लोग मैप यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट वही मैप नहीं है, मतलब एक तरह से समझ लेंगे कि एक मैप हम लोग नक्शा बना रहे हैं, जो नक्शा बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें। बाय अ मैप ऑफ साइड क्या है उसका मैप का 10 सेंटीमीटर ऑन 8 सेंटीमीटर। अब मैप का दो साइड तो होगा ना, एक आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये देख लेंगे, ये सपोज कर लेते हैं ये मैप है वो जिस मैप को हम लोग यूज कर रहे हैं शो करने के लिए, तो 10/8 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ अ डायगोनल स्केल, क्वेश्चन में क्लियर है कि हम लोग को डायगोनल स्केल बनाना है, क्वेश्चन में क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, टू रीड सिंगल मीटर, मतलब कि ये आपका डायगोनल स्केल ऐसा बनना चाहिए कि वो सिंगल मीटर भी रीड कर सके, मतलब अगर उसमें अगर एक मीटर हमको शो करना पड़े तो एक मीटर भी शो कर सके, इतना साइज का स्केल बनाना है। एंड शोन ऑन इट 428 मीटर, मतलब उस पर शो क्या करना है हमको 428 मीटर। तो चलिए हम लोग कुछ चीजों पे हम लोग फिर से यहां पे अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि पहला है आपका हमको शो कितना करना 428 मीटर शो का हो गया। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बच्चे के लिए कि सर इसमें ना आरएफ है ना सर इसमें मैक्सिमम लेंथ है, सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए सॉल्यूशन कैसे होगा हम बता दें आपको, ध्यान से देखेंगे। आरएफ तो नहीं है मगर आरएफ की कंडीशन है, आरएफ नहीं है मगर आरएफ की कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखेंगे हम लोग। क्या बोला आपको, 50,000 मीटर स्क्वायर का एक फील्ड, रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, एक मैप से जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है हमको उसका भी एरिया निकालना होगा, और उसका एरिया क्या होगा 10 × 8, यानी कि 10 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, दोनों साइड हमारा स्क्वायर है। तो अब चलिए हम लोग आरएफ निकालते हैं, हम क्वेश्चन को भूल जाएंगे, हम सिर्फ कंडीशन पे ध्यान देंगे, कंडीशन पे ध्यान देके हम लोग आरएफ निकालेंगे, बाकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा उसे भूल जाएंगे, उसे दिमाग से अभी वैनिश करिए।
बाकी क्वेश्चन के मैटर पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इतने पे ध्यान देना है कि एक 50,000 मीटर स्क्वायर का आपका लैंड है जिसको हम शो कर रहे हैं बाय अ मैप ऑफ 10 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर। ओके, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, आरएफ। बिकॉज आरएफ नहीं निकलेगा, मैक्सिमम लेंथ नहीं होगा, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे आरएफ के ऊपर। तो आरएफ का कंडीशन हमको मिल चुका है। अब देखिए आरएफ में यहां पे मैक्सिमम लेंथ कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये साइज आपका पॉसिबल नहीं है उतने साइज को हम लोग ड्रॉइंग शीट में बना सके, मगर ये तो पॉसिबल है। तो दिस इज योर एलओएस एंड दिस इज योर मैक्सिमम लेंथ। आरएफ निकालने के लिए हमको ये दो चीज चाहिए, दोनों मिल चुका है, हम लोग क्या करेंगे। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 50,000 मीटर स्क्वायर। अब दिक्कत ये आ गया कि भैया मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हटाएंगे स्क्वायर, क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर हटाएंगे। चलिए देखते हैं, अब स्क्वायर रूट लगा के हम लोग क्या करना है, हमको आरएफ की वैल्यू लगाना है। आरएफ की वैल्यू वहां पे स्क्वायर रूट को हटा देंगे, तो स्क्वायर रूट को हटाने के बाद आप सॉल्यूशन करेंगे अपने कैलसी में, तो आपको वैल्यू आएगी 1/25। सो 1/25 आपका वैल्यू है, तो क्या आपका ये आरएफ आ चुका है? मैं आप लोगों से जानना चाहूं, क्या ये आपका आरएफ आ चुका है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आरएफ नहीं है ये आपका यूनिट के साथ है वैल्यू, और क्वेश्चन में हमको आरएफ निकालने बोला गया, जो कि आरएफ क्या होता है, आपका रेशियो होता है, और रेशियो कैसे आपका यूनिट में हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों आपका जो यूनिट है उसको काटेंगे। क्या ये आपस में कटेगा? पॉसिबल है? जब तक सेम यूनिट नहीं होगा तब तक कटेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कैंसिल करने के लिए हमको दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम यूनिट में कैसे कन्वर्ट होगा, फिर से वही यूनिट कन्वर्जन, फिर से जाएंगे हम लोग यूनिट कन्वर्जन। तो यहां पे यूनिट कन्वर्जन करने के लिए वही चीज है, 1 सेंटीमीटर अपॉन 25। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो याद करिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 10 से जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसीमीटर में, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई की ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। नाउ वी कैन कैंसिल क्या, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी आरएफ की, जो कि रेशियो के फॉर्म में आएगी, वो आएगी 1/2500। आपका आरएफ कितना है, 1/2500। तो ये आपका हो गया आरएफ। अब आप बोलोगे सर आरएफ निकाल लिए, गुड, बट मैक्सिमम लेंथ कहां से लाओगे सर, क्वेश्चन में तो मैक्सिमम लेंथ दिया ही नहीं है। पॉइंट आपकी भी सही है, बात आपकी भी सही है, जब तक मैक्सिमम लेंथ होगा नहीं तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पॉइंट वाली बात है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ड्रॉ अ डायगोनल स्केल टू रीड सिंगल मीटर एंड शो ऑन इट 428 मीटर। अब ध्यान समझिए, मुझे 1 मीटर नापना है या 12 मीटर नापना है, छोड़िए 12 मीटर, 1 मीटर छोड़िए, छोटे पे आते हैं, मुझे 13 सेंटीमीटर नापना है, तो मेरे पास स्केल कितने का होना चाहिए, कितने साइज का स्केल होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, या तो 13 या तो 13 से ज्यादा। कितना होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर का, या तो 13 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो हमें यहां कितना नापना है, हमें यहां क्वेश्चन में कितना शो करना है, तो 428 मीटर, यानी कि हमारा स्केल जो होना चाहिए 428 या तो 428 से ज्यादा का होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर 428 नापने के लिए हमारे पास 400 का स्केल बनाएंगे तो बाकी का 28 कहां से नापेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 428 से ज्यादा का स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल स्केल में क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 100 का लेके चलते हैं, तो 428 है तो इसके हायर साइड पे मल्टीपल्स 100 का लेके चलेंगे, तो हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, तो मैक्सिमम लेंथ हम लोग क्या ले लेंगे, 500 मीटर। क्यों लिए, रीजन समझ में आया, क्योंकि हमारे पास शो क्या करना है,
428 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है उससे बड़ी स्केल में ही हम 428 मीटर शो कर पाएंगे ना। 428 मीटर के लिए हम लोग 300 मीटर का स्केल लेंगे, तो हम लोग तो दो बार में सॉल्व मतलब मेजर करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक ही बार में मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए, उससे बड़ी स्केल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ले लिए 500 मीटर। तो हमारे पास आरएफ है, ध्यान से देख सकते हैं, हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है। अब हम लोग क्या लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं 100%। चलिए लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, वही आपका आरएफ का वैल्यू, आरएफ का जो फॉर्मूला है, आरएफ के फॉर्मूले से लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। आरएफ कितना है हमारा, 1/2500। कितना है भाई हमारा आरएफ, 1/2500। मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर। निकालना क्या है, एलओएस। अब एलओएस निकालने के लिए क्या करेंगे, एलओएस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही काम, एलओएस इक्वल टू 1/2500 इंटू 500 मीटर। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो एलओएस हो जाएगा 1/2500 इंटू 500, 1/2500 इंटू 500। तो ये आपका क्या आ गया, एलओएस, मगर किसमें है, ध्यान देंगे मीटर में है। फिर वही चीज, हमको मीटर में नहीं खेल खेलना, हमको खेलना है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन। चलिए फिर से यूनिट कन्वर्जन करेंगे, 1/2500 इंटू 500, मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, नाउ इट कन्वर्ट इंटू डेसीमीटर, फिर 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। नाउ कैंसल करके देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं कट करना, आपके पास कैलसी रहेगा, आप लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे और वैसे आप लोग यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे काट के नॉर्मल में शो किया। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 20 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ स्केल। मगर जैसा कि हम लोग याद होगा, प्लेन स्केल में भी हम लोग को जब वैल्यू बड़ी आ गई थी तो हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल्स खेले थे, वैसे ही यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 500 मीटर। अब 500 को भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स बनाने पड़ेंगे। कैसे, तो एक हल्का सा लुक देखते हैं कि मल्टीपल्स कैसे यूज करेंगे। हमारे पास 500 मीटर है, हमारे पास 500 मीटर है। अब 500 मीटर को हम लोग क्या करना है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, तीन पार्ट्स में, क्योंकि हमारा स्केल क्या होता है डायगोनल, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हमें डिवाइड करना है तीन पार्ट्स में। तो चलिए इसको डिवाइड करेंगे, फाइव इंटू हंड्रेड का मतलब हो गया कि पहला जो आपका मेन डिवीजन है वो 5 इक्वल पार्ट्स में होंगे। ठीक है, पहला मेन डिवीजन आपका क्या होगा, 5 इक्वल पार्ट्स में, बचा हुआ 100 पे रहेगा। तो बचा हुआ जो आपका डिवीजन है, जो किनारे में आपका फर्स्ट पार्ट में होता है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग 10 कर ले यहां और 10 यहां कर ले तो हो गए कंप्लीट। कैसा होगा, हल्का सा एक व्यू देखते हैं, मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसमें एक हल्का सा व्यू है, ऐसे तो मैं आपको ड्राइंग शीट में बना के दिखाऊंगा, ये हल्का समझेंगे कि आपका क्या है, यहां पे जो ये पार्ट है मेन पार्ट, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो 500 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट कितने का होगा, वो होगा 100 का। तो इधर देखिए 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब वही बचा हुआ 100 को हम लोग 10 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि ये पार्ट्स को, तो इसका एक एक पार्ट कितने का होगा, अगर 100 को हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका एक पार्ट कितने का होगा, 10 का। तो यहां पे लगाएंगे 0, 10, 20, 30, 40 एंड दिस वन इज 100। फिर बचे हुए 10 पार्ट्स को, जो कि आपका बचा हुआ 10 पार्ट्स है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट कितने का होगा, वो होगा आपका 1-1 मीटर का। तो यहां पे लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करके बकायदा ड्राइंग कॉपी में देखते हैं कि कैसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक है, चलिए आइए कॉपी में देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन हमारा है, तो हमारा लेंथ ऑफ स्केल दे चुका है हम लोग, मतलब निकाल चुके हैं 20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग 20 सेंटीमीटर का सबसे पहले तो लाइन बना लेते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे, जाएंगे हम लोग स्केल यूज करेंगे और एक लाइट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, लाइट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइट लाइन ड्रॉ कर लिए, इसमें 20 सेंटीमीटर का लेंथ यहां पे, बहुत सिस्टमेटिक, यहां पे ये रहा 20 सेंटीमीटर का लेंथ, जो कि आपका रिक्वायर्ड लेंथ है। अब क्वेश्चन में ये किसको शो कर रहा है? तो क्वेश्चन में ये शो कर रहा है आपका 500 मीटर। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको 500 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम लेंथ आपका क्या है? 500 मीटर। तो 500 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने आपको समझाया था 500 का हम लोग क्या लेंगे, मल्टीपल्स। तो हम लोगों ने क्या मल्टीपल्स के लिए किया था कि 5 को हम लोग 500 को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में, 5 × 100। तो पहला पार्ट हम लोग किससे डील करेंगे, 5। तो हम लोग पूरे को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने में, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवीजन का रूल वही रखेंगे हम लोग, चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग 5 पार्ट में। तो वही हम लोग डिवाइड करने का तरीका रखेंगे, ये आपका लाइन बना है, 5 इक्वल पार्ट्स के लिए हम लोग इक्वल 5 डिस्टेंस लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस किनारे वाले को किनारे वाले से मैच कर देंगे, मैच हो गया। अब इसके पैरेलल मूव करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग स्केल के लाइन तक हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये आपका सारे लाइंस हम लोग सिस्टमेटिकली यहां पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट्स। अब एक बात बताइए, मैंने 500 को 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका एक पार्ट कितने का है, 100 मीटर का। ऑब्वियसली कितने का है, 100 मीटर का। तो हम लोग डायमेंशन जब करेंगे यहां पे, जब नेमिंग लगाएंगे, तो यहां का एक पार्ट कितने का होगा, तो यहां का एक पार्ट जब नेमिंग लगाएंगे तो यहां होगा 0, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो गया आपका 200, दिस वन इज योर 300 एंड दिस वन इज योर 400, ठीक है। तो ये हो गया एक एक पार्ट 100 का। चलिए अब 100 का हो गया, तो बचा हुआ 100 वाला जो पार्ट है, इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्या क्या पार्ट होगा आपका, 10 एंड 10, यानी कि पहले इस पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर बचा हुआ ऊपर का जो पार्ट है वो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कैसे, रूल वही रखेंगे हम लोग, ये लाइन ड्रॉ किए, यहां पे इक्वल 10 पॉइंट्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 10। चलिए मैं पहले वाले को 0, जहां आपका पॉइंट है वहां से मैं मैच कर दे रहा हूं, या आप देख सकते हैं कि आपका, मैं ये पहले वाले पॉइंट को, मतलब लास्ट वाले पॉइंट को, इसको हम 0 से मैच कर दे रहे हैं। अब इसके पैरेलल हम स्केल को क्या कर लेंगे, सेट, और फिर पैरेलल मूव करेंगे और हर पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट तक लेके आएंगे, हर पॉइंट को हम लोग मूव करते हुए इस पॉइंट तक लेके आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने से क्या होता है, ड्राइंग आपका ख़राब हो जाता है, और एक बार ड्राइंग जो ख़राब हो गया तो फिर मज़ा नहीं आता, और बनाने वाले को भी मज़ा नहीं आता, और चेकर को भी इवन मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका, ये जो लास्ट वाला डिवीज़न है, लास्ट वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया,
तो अब 100 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ये पूरा पूरा कितने पार्ट्स का है, 100 का है, 100 100 100, हमने को हम लोग क्या किया, 100 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। तो 100 को जब 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका एक पार्ट कितने का होगा, 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 10 20 30 सब लगाएंगे तो हमारा यहाँ क्या होगा, कचड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 40 ऐसे शो करेंगे। तो दिस वन इज योर 20, पहले वाले को छोड़े, 20 40 60 80 एंड दिस वन इज योर 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 और इसका एक एक पार्ट कितने का हो गया, 10 10 का हो गया। नाउ अब 10 एक पार्ट इसका कितने का है, 10 का है। तो हम 10 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1 मीटर का। और जैसा कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था याद है, रीड सिंगल मीटर, मतलब कि हमको 1 मीटर तक का भी कल तक अगर डायमेंशन शो करना हो तो हम कर सके। तो अगर हम लोग 10 को हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट 1 मीटर का हो जाएगा, जिससे कि हम लोग अगर 1 मीटर भी शो करना चाहें तो 1 मीटर शो कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, अपने तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन मतलब सॉरी परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस कॉर्नर से ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, 0.5 0.5 करके इसमें 10 डिवीजन लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 0.5, ऐसे आप 10 डिवीजन लगाएंगे। तो दिस इज योर 10 पार्ट्स। ठीक है, ये आपका 10 पार्ट्स हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल जाएंगे और इस कॉर्नर से लाइन को खींच लेंगे, उसके बाद इसके पैरेलल जाएंगे और जो लास्ट वाला डिवीजन वाला पार्ट है उसको हम लोग डार्क कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं HB से भी लाइट वर्क कर पा रहा हूं और HB से डार्क वर्क भी कर ले रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे हाथ का उतना कमांड है इसलिए मैं कर पा रहा हूं। आप लोगों से उतना नहीं हो पाएगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि जैसा आप पेंसिल पे प्रेशर लगाते हैं वैसा आपका वर्क होता है। तो आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि मैं HB से मैं लाइट वर्क भी कर दे रहा हूं और डार्क वर्क भी कर रहा हूं, लेकिन वही चीज़ है, आप लोग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेंसिल पे आप कितना पॉइंट मतलब प्रेशर देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका लाइटनेस और डार्कनेस होता है। चलिए, अब इसके पैरेलल में जाता हूँ और पैरेलल जाके हर पॉइंट को, ये जो आपका हर पॉइंट है इसको हम लोग उठा लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका हर पॉइंट उठ चुका है, यहां भी डार्क करेंगे मगर ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इस लाइन पे ट्रांसफर करने के बाद। देखिए, मैंने बताया था थोड़ा सा लाइट हम लोग डार्क करेंगे, उसको थोड़ा सा लाइट डार्क करेंगे। देख सकते हैं कि इक्वल हम लोग 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर चुके हैं, तो अब इसको हम लोग डार्क कर लेंगे इस पार्ट को। तो ये आपका पार्ट प्रॉपर डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद हमारा सबसे पहला काम, इसको नेमिंग कर देते हैं हम लोग। तो हमारा इसका एक एक पार्ट कितने का हो गया, 1 1 मीटर का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया एक पार्ट 1 1 मीटर का हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल जाएंगे और लाइट लाइन, ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट लाइन सारे पॉइंट्स को हम लोग ऊपर वाली लाइन तक
एक्सटेंड करेंगे बहुत बारीकी से। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 है, ये जो 10 पॉइंट है और ये जो पहला वाला डिवीजन का पहला पॉइंट है यहां पे, इन दोनों को आपस में मैच करेंगे और हम लोग इसको डार्क करेंगे। मैच कर लिए, फिर सेकंड हम लोग उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग इसको भी डार्क करते हुए चलेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि आप अगर उसको पैरेलली मूव कर देंगे तो आराम से सारे पॉइंट्स इजीली डील हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे डायगोनल लाइंस हमने बना दिए। अब हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस पर ध्यान देंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले तो यहां पे लिख लेते हैं कि किस कौन सा पार्ट किस चीज को शो कर रहा है। यहां पे हम लोग एक लाइन बनाएंगे यहां पे एंड यहां पे। तो यहां का एक पार्ट कितने को शो कर रहा है, दैट इज योर 100 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे 100 मीटर्स। यहां पे एक पार्ट, यहां का एक एक आपका जो पार्ट है कितने का शो कर रहा है, वो है आपका 10 मीटर्स। और यहां का एक एक पार्ट कितने का शो कर रहा है, वो है आपका मीटर, यानी एक एक मीटर का। लिखने का काम डार्क। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका लिखने का काम हो चुका है। अब हम लोग को शो करना है कि क्वेश्चन में क्या शो करने बोला है। तो क्वेश्चन में शो करने बोला है आपको 428 मीटर। तो ध्यान से देखते हैं, यहां से 428 मीटर की बात हो रही है, मतलब 428 मीटर, 400 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 400 यहां से यहां तक, और 28 मीटर। तो देखिए, यहां से यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक 20। तो 20 को जब हम लोग आगे मूव करेंगे, ये जो आपका इंक्लाइंड लाइन है या ये जो डायगोनल लाइन है, हमको मूव करते जाएंगे, जब हमारा ये 8 आएगा, तो 8 जहां आया इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और वही आपका यहां पर डार्क कर देंगे। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग पी, और यहां पर नाम देते हैं क्यू। यानी जो PQ डिस्टेंस है, ये आपका 428 मीटर है। कैसे हुआ, यहां से यहां तक देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, यहां तक 400 मीटर हो गया, 10 इधर जुड़ गया तो हो गया 410 मीटर, और 10 और जुड़ गया तो ये हो गया 420 मीटर। ये 20 वाले को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ये 8 पे आया तो ये हो गया 428 मीटर। तो चलिए इसको हम लोग इस लाइन को हम लोग ऊपर लेके आते हैं, तो आपका ये 428 मीटर वाला जो डायमेंशन है इजीली शो कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा मेन काम क्या है, 428 मीटर को शो करना था। तो दिस इज योर 428 मीटर, एरो बनेगा जो कि आपका लाइट होगा। This is your, जो कि आपको शो करना था। अब हम लोग डायमेंशन दिखाएंगे। तो डायमेंशन दिखाने के लिए रूल जो है उसी को फॉलो करेंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे।
एरो को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, याद रखिएगा एरो को सिर्फ फिल करना है, मगर ये शार्प बनेगा, शार्प एज रहेगा हमारा। कितना ये था साइज? ये था आपका 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था तो इसका साइज कितना निकला था? 20 सेंटीमीटर। और हमारा आरएफ कितना निकला था? तो आरएफ हमारा निकला था क्वेश्चन में वो था आरएफ इज इक्वल टू 1/2500। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद ये होता है क्वेश्चन आपका कंप्लीट, और आपको इसके मार्क्स 100% बहुत अच्छे मिलेंगे। और कोशिश करिए कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा निखर के आएगा। और जो बच्चे हमारे एरिया में नहीं रहते, मतलब भिलाई में नहीं रहते हैं, जो हमारे पास क्लासेस के लिए नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स के पास आप ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग पॉइंट्स पे, हम लोग अलग टॉपिक पे डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।